उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। नेताओं की जुबानी जंग भी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन इस जुबानी जंग में नेता अपनी मर्यादा तक भूल जा रहे हैं। यूपी में कल रात जो हुआ वो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आधी रात को दो मुख्यमंत्री ट्विटर पर भिड़ गए और बात सुनो तक आ गई। अब हम आपको बताते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल सोमवार को संसद में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कही। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली सरकार पर कोरोना की पहली लहर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर घेर लिया और केजरीवाल सरकार को पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये बात दिल्ली सीएम को रास नहीं आई और उन्होंने पीएम का ये वीडियो शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। बस यहीं से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर वार छिड़ गया। सोमवार की देर रात देश के दो मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर तल्ख अंदाज में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। यूपी के सीएम योगी ने सुनो केजरीवाल से संबोधन शुरू किया। सीएम योगी ने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। इसके बाद सीएम योगी ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीएम के जवाब में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के ट्विटर वॉर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी कूद गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ये नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ न बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं है। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। बता दें कि यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। पहले चरण के चुनाव से पहले ट्विटर वार से सूबे का राजनीतिक पारा काफी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।